प्रिय बालाजी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आज क्लास नाइन्थ का हम बच्चे लेक्चर नंबर चैप्टर बोले तो 4 शुरू करेंगे, जिसका नाम होगा चतवारा वेद। यक्ष युधिष्ठिर संवाद हो चुका है, आज हम लोग चतवारा वेद चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें 4 वेदों के बारे में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर से इस बार के परीक्षा पेपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपको थोड़ा सा दुख होगा सर ये लेक्चर लेट आया। कोई बात नहीं है, इस महीने में हम आपका 2-3 चैप्टर जल्दी हम करा देते हैं, लेकिन नोट्स पूरा कंप्लीट है, नोट्स पूरा कंप्लीट है, सिर्फ आपको पढ़ा देना है। तो मैं जल्दी से जल्दी क्या करता हूँ, इसी महीने में 1-2 दिन गैप ले लेके, आज एक जिस चौथा पट हो गया, 5 और 6 2 चैप्टर और पढ़ा देंगे, तो आपका ये जो जुलाई के महीने जाएगा पेपर बहुत बेहतरीन से भी जाएगा, आपको परेशान नहीं होना है आपके पास। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसे लेक्चर जाएगा नोट्स तुरंत बना लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर, बहुत छोटा सा बनाएंगे और छोटा सा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया, चलिए हम शुरू करते हैं अब आज का लेक्चर। तो पहले हम पाठ के परिचय थोड़ा पढ़ लें। ये अपने चैप्टर है चतवारो वेद, इसको हम पढ़ लेते हैं। ये और वेदा होगा चतवारो वेद, देखो इसमें 4 वेद के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। वेद जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं और वेदांग जो होंगे 6 प्रकार के होंगे। कहते इस पाठ में प्राचीन भारतीय संस्कृति के आधार ग्रंथों के रूप में चारों वेदों की संरचना का स्वरूप और परिचय दिया गया है, तथा वैदिक साहित्य की व्यापकता का निरूपण किया गया है। इसमें जो वैदिक साहित्य है उनका निरूपण किया गया है। तो चैप्टर शुरू किया जाए। चलो चैप्टर कह रहा है यहाँ पर, पूरा इसका मैं हिंदी भावार्थ बता चलूँगा, लास्ट में आपका नोट्स बनवा दूंगा, डिटेल में नोट्स बना लीजिएगा, और डिटेल में लेक्चर भी कवर हुआ है, तो आपको परेशान होने की जरूरत है नहीं। कह रहा है कि देखो, भारतवर्ष संस्कृत निधिषु वेदा प्रधान पद धारयति, जो भारतवर्ष है इसकी संस्कृति, जो इसकी संस्कृति है, और निधियों में वेद जो है प्रधान पद धारण किए हुए हैं, उसमें वेद जो है प्रथम पद धारण किए हुए हैं। संसार से संसार की लब्ध प्राप्त ग्रंथ, उसमें जो जितने ग्रंथ प्राप्त होते हैं ये वह उसमें प्राचीनतम संति, जितने ग्रंथ है प्राचीन में देश में उसमें सबसे प्राचीन कौन है, सबसे पुराना कौन है, तो उसमें वेद है। कत भारतीय सर्वे अपनी जो भारतीय जो वेदा संबोधन है, जो उसके जो वेद का जो संबोधन करते हैं, गौरव हो उस गौरव के लिए, ज्ञान के लिए, और जो ज्ञान का पर्याय है, जो वेद है ज्ञान का पर्यायवाची शब्द है, शास्त्राणी विदान विदानुमुद्रणे स्व सिद्धांतरण प्रतिपादयन्ति प्रतुष्पाठे। कहते जो वेद है अपने शास्त्र अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हुए, इस वेद के हम 4 वेदों का स्वरूप प्रतुष्पाठे चतुर्नार वेद, 4 वेद का स्वरूप हम लोग उसका पढ़ेंगे, दर्शन उसका परिचय लेंगे और उसके डिटेल पढ़ेंगे। चलो तो वेद कितने होते हैं, 4, याद रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा। अस्माकं प्राचीन संस्कृतेषु, कहते कि जो हमारा प्राचीन संस्कृत वेद है सुरक्षित कहाँ है, पर संस्कृत में, जो प्राचीन संस्कृत वेदेषु सुरक्षित, वेद कहाँ सुरक्षित है, प्राचीन संस्कृत में। संसारस्य यानी संसार की प्राचीनतम, जो पुराना साहित्य वेद वेद हमें प्राप्त होता है, और उसमें सप्त सिंधु प्रदेश, सप्त सिंधु प्रदेश में वहाँ पर न्यूनतम रहकर ऋषि कालीन सर्वज्ञान सभी ज्ञान वेद रूप के रूप में धारण किए, और विशेष जो इसकी विशेषता जो होती है बच्चे, यज्ञ संचालन, यज्ञ को संचालन करने के लिए वेद 4 रूप, वेद के 4 रूप को किया गया है, यज्ञ को संचालन करने के लिए वेद को 4 रूप में बांटा गया। अतः 4 वेद जो हैं, ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। वेद कितने हैं, 4। चलो अगला पढ़ेंगे हम ऋग वेद, पहले पहले वेद की पढ़ते हैं। ऋग वेद जो है प्राचीन
प्राचीन मंत्र कहाँ मिलते हैं? सबसे प्राचीन मंत्र किस वेद में मिलेंगे? तो ऋग्वेद में। इसका इतिहास विद्या वंश से महत्व मरते धरती। इसका जो इतिहास है, कर इसके इतिहास में विद्वान इसका महत्व भी अधिक है। विद्वानों के लिए ऋग्वेद का महत्व सबसे अधिक है। क्वेश्चन पूछेगा इसमें कितने मंडल है? 10 मंडल है। इसमें कितने मंडल है? 10 मंडल है। और रिक्त समोहिनी सूक्तानि, इसमें कितने, इसमें सूक्त बहुत सारे सूक्त हैं। जैसे कि इसमें बताया गया कि ऋग्वेद, संपूर्ण ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं और 10552 ऋच। ऋच मतलब होता है बच्चे जी भक्ति। इसमें कितनी भक्तियाँ हैं? तो 10552 और कितने सूक्त हैं? तो 1028। डायरेक्ट याद रखना है, क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। कहते ऋग्वेद, जो ऋग्वेद है, देवानम, देवों का आगमन, देवों का आवाहन के लिए मंत्र को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब हम पढ़ेंगे दूसरे वेद के बारे में, यजुर्वेद के बारे में। करके यजुर्वेद जो है, शुक्ल वेद, शुक्ल कृष्ण रूपेण वेद, दो वेद यजुर्वेद दो भाग में बटा हुआ है, शुक्ल वेद और कृष्ण, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल जो वेद है उत्तर भारत में, यानी हमारे जो बिहारवासी हम लोग हैं, हमारे उत्तर भारत में ये बहुत प्रचलित है, जिसमें 40 अध्याय हैं। जिसमें कितने हैं? 40 अध्याय हैं। और अध्यायवंश से जिसमें गद और पद दोनों मिलते हैं। इसके मुख्य, जिसमें मुख्य क्या है, विविध कर्म के संपादन का इसमें विशेषता बतलाया गया है। यजुर्वेद अर्थ एवं इसका मुख्य अर्थ होता है योग का संचालन करना, योग में इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। और शुक्ल यजुर्वेद जो है, इसमें 1975 मंत्र हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि शुक्ल यजुर्वेद में कितने मंत्र हैं? तो 1975, या 1975 मंत्र कहाँ पर हैं? तो शुक्ल यजुर्वेद में है। यज्ञस्य वेदस्य व्यापक, जिसमें यज्ञ का व्यापक रूप का प्रयोग, यज्ञ में इसका व्यापक रूप क्या होता है यजुर्वेद का। तीसरा है अपना सामवेद। सामवेद पर आया ऋग्वेद का ज्ञात्मक मंत्र, जो जितने गाने वाले मंत्र हैं वो सब कहाँ मिलेंगे बताइए? जितने गाने वाले मंत्र हैं कहाँ मिल जाएंगे? सामवेद में इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी जितने ऋग्वेद के ज्ञात्मक मंत्र हैं, गाने वाले जो मंत्र हैं, वो सामवेद में अपने को मिल जाएंगे। तत्र यहाँ पर समाहूतान देवानाम, प्रथम देवों को खुशी करने के लिए लक्ष्यमस्ति, और इसीलिए उन्हें गीत गाया जाता है देवता को प्रसन्न करने के लिए। अतः सामवेद जो है गायिका उदार उत्तर कथनते, भारतीय संस्कृत, भारतीय संगीत सामवेद जो है, पर भारतीय सामवेद में 1875 मंत्र हैं और सामवेद पूर्व चक्रिक उत्तर चक्रिक भाग में विभक्त हैं, या पूर्व चक्रिक में और उत्तर चक्रिक में, ये दो भागों में विभक्त हैं। अब हम पढ़ेंगे अथर्ववेद के बारे में, अंतिम वेद है बजे। इसमें वेद का खाली परिचय दिया गया है क्लास के हिसाब से, लेकिन वेद बहुत लंबे चौड़े होते हैं, इसमें बहुत चीज़ें पढ़ने को मिलता है हम लोग को। अथर्ववेद में लौकिक और वैज्ञानिक की विशेषता का इसमें वर्णन है। इसमें 20 संघ, 20 मतलब होता है 20, इसमें 20 मतलब होता है, समझते हैं 20 को 20 ही बोलते हैं हम। इसमें कितने कांड हैं? तो 20। इसमें 20 कांड में व्यक्त हैं। प्रत्येक कांड में सूक्त मिलते हैं, और जो संपूर्ण अथर्ववेद में 737 सूक्त हैं और कितने मंत्र हैं? तो 5987 मंत्र विद्यमान है। द्वादशे, यानी 12 कांड है इसमें, द्वादशे कांड। बराहवा कांड में कहते, इसके जो बराहवा कांड में भूमि शक्ति, यानी भूमि की मात, भूमि की भक्ति, भूमि की पूजा का, मातृभूमि का इसमें वर्णन। तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मातृभूमि का वर्णन किस कांड में मिलेगा, तो आपको अथर्ववेद मिलेगा। किस कांड में? तो उसके बराहवा कांड में। ये सर्वे, इसीलिए सभी वेदों में मंत्र जो है संकलित हैं, और इस सब संहिता कहे जाते हैं। और ब्राह्मण बहु वर्तन्ते कर्म कारिणी, इसमें बताया गया है कि बच्ची ब्राह्मण, इसमें जितने कर्मकांड हैं की व्याख्या के रूप में अनेक ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है। और जो दार्शनिक चिंतक हैं, यहाँ पर दिया गया दार्शनिक चिंतक, जितने दार्शनिक चिंतन हैं, अरण्यक ग्रंथ और शुद्ध दार्शनिक ग्रंथ,
और शुद्ध दार्शनिक ग्रंथ उपनिषद विकसित किए हैं। वेद संहिता कृते इसको अलग अलग में बांटा गया है। कहते कि जो वेदांग होते हैं, वेदांग नाम अंग रूपेण शिक्षा, कहते वेदांग कितने होंगे तो 6 हो जाएंगे, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, बिन रुक्त, छंद, ज्योतिष, चेति, षड वेदांगनी विपुल। कहते ये 6 वेदों के अंग है, जिसमें जो मिलकर एक विपुल साहित्य, एक बहुत बड़ा साहित्य का निर्माण करते हैं। सर्वविंद मिलकर विशाल वैदिक साहित्य का निर्माण करते हैं, यही बात इसमें लिखा गया है। अपने जितने पर है सबके हम नोट्स बनवा देते हैं। नोट्स बार बार आपको रिवीजन करना है, जब जब पेपर आपका आएगा आप नोट्स पढ़ के जाइएगा, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं अभी से बता रहा हूँ। अब आराम से नोट्स बना लीजिएगा, मैं पूरा डिटेल में इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं, हम लोग आप और हम मिलकर इसको पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, आपने भी ध्यान से सुना होगा। प्यारे बालक जी हैं और प्यारे बालक जी का तो स्वागत रहता ही है गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। शब्दार्थ थोड़ा याद रखेंगे बच्चे जी, आपके बुक में भी दिया है, इसको लिखना चाहें तो लिखें। संधि भी छेद जरूर अभ्यास कीजिएगा, मैं ये बोलूँगा, क्योंकि संधि आपको हिंदी में भी काम आ जाएगा। इसके संधि बहुत डेंजरस होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, और जो बच्चा इतना अच्छा अच्छा संधि पढ़ लेगा उसके लिए तो बिहार बोर्ड जो पूछेगा हिंदी में क्लास 11, 12, 10, 9 सब आपके निकल जाएगा। समाज से इसका अलग होता है, फिर भी ये बुक का अभ्यास है, इसको भी कर लीजिएगा नोट्स में। ब्लैक पेन से कैसे लिखा गया है, चलो अब ये प्रश्न जो व्यास ये जो है ना ट्रेंडिंग खूब चलता है, हिंदी में पूछे जाते हैं, और आपको हिंदी में कहानी याद रख, पूरे जो भी पढ़े आप इसको हिंदी में याद रखना है, आंसर भी परीक्षा में हिंदी में ही लिख के आना है। तो जितने अभी तक क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं 2021 से लेकर अभी तक 3-4 साल के अंदर में, मैं सारा क्वेश्चन बैंक कवर किया हूँ, जितना हमारे पास पेपर अवेलेबल था मैंने उसको एनालाइज किया, उसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके लाया हूँ, तो आपको कोई चिंता की बात नहीं है, सिर्फ आपको लिख लेने हैं, कभी कभी पढ़ते रहना है कि आपको याद रहे। जिसमें से हमें 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिला है, और एक पेज छोड़ दीजिएगा, एक पेज छोड़ कर हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के चतुर्थ अध्याय के बच्चे जी, आंसर पर ध्यान ना देते हुए एक बार खुद से कीजिएगा, सारा इसके आंसर क्वेश्चन आपको याद रहेगा, और नोट्स में से मिला लीजिएगा, काहे को आप इधर का ABCD देखेंगे, हो सकता है कहीं ABCD आपको गलत मिल जाए। देखो क्या नहीं पढ़े हमने, वेदांग कितने होते हैं, 6 होते हैं, वेद कति संधि, वेद वेदांग वेद कितने थे, वेद तो 4 होते हैं, रिंग वेद कति सुक्ता नहीं, रिंग वेद में कितने सुक्त हैं, 1028 अभी पढ़े थे ना हम लोग तुरंत। चतुरा वेद गद में कौन कौन सी विद्या है, तो कहानी, नाटक, निबंध, ये क्या है, तो ये निबंध है। सबसे प्राचीन मंत्र किस वेद में संकलित हैं, सबसे प्राचीन मंत्र तो हम रिंग वेद में पढ़ रहे थे, सबसे प्राचीन मंत्र वहीं मिले थे। अथर्ववेद में कितने कांड हैं, तो 20 कांड थे, अभी पढ़े थे, देखो जस्ट अभी बुक में पढ़े थे हम लोग। अथर्ववेद लौकिक वैज्ञानिक में अयम जिसमें अयम इसमें 20 संति कांडे विभक्त, 20 कांडों में विभक्त था। शुक्ल यजुर्वेद में कितने अध्याय, यजुर्वेद कितने भागों में बटा हुआ है, सबसे प्राचीन वेद कौन है, तरिंग वेद है। लौकिक बातें किस वेद में की गई हैं, तो ये में अथर्वेद में। भूमि शक्ति अथर्वेद किस कांड में है, तो बराहवा कांड में है, ऑप्शन ए। ये सब आपके ना इस परीक्षा में पूछा गया था, जो भी आप जस्ट परीक्षा दिए होंगे, 29 क्वेश्चन में मिला है। एक पे छोड़ दीजिएगा आगे पीछे दोनों तरफ, इस साइड से दोनों साइड छोड़ के, और चल चलिएगा मेरे साथ में। आप ये चैप्टर तो फिनिश ही हो गया, देखो 15 मिनट में चैप्टर फिनिश हो गया बच्चे जी, कितने छोटे से वीडियो में। अब हम 15-5 चैप्टर लेकर आएंगे, इसके अभी इनसे क्वेश्चन थोड़ा मिलाना है हमें, मिलाकर बहुत मस्त मज़ा आएगा 5 चैप्टर में, जिसमें हम लोग संस्कृत साहित्य के महत्व के बारे में पढ़ेंगे।
तो अब आपसे थोड़ा सा बात कर लिए। तो अब बोले वीडियो कैसा लगा? वीडियो को देखो जी, मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत छोटा बनाया गया है। अब वीडियो को देखो छोटा है, आपका एक ड्यूटी बनता है कि आप भी सर का सपोर्ट कीजिए, वीडियो को आप जरूर लाइक शेयर करते रहिए ताकि ताकि बच्चे इसमें जुड़े। और मुझे खुशी हुई कि हर वीडियो में लगभग 200-250 बच्चे 100-150 से ऊपर जाते हैं, लेकिन आप लोगों का सहयोग रहे तो 400-500 बच्चे 1000 बच्चे भी जुड़ेंगे। छोटा सा भी चैनल है, हम छोटे हैं, नए हैं, तो बिल्कुल थोड़ा सा हर चीज़ में समय लगता है। लेकिन कह रहे हैं कि ये जो मेरा मेहनत है क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट एक ही वीडियो में लाना और बच्चों के साथ में जुड़े रहना, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप जरूर इस बात को लेकर शेयर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आप खुश रहें, मस्त रहें, रिवीजन करते रहिएगा। सिर्फ संस्कृत की बात नहीं है, मैथमेटिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, आपका SST हो गया, साइंस और डिटेल में पढ़ाया गया, नोट्स प्रोवाइड कर चुका गया है, चैनल पर है नोट्स, आप नोट्स को देखते रहिए, बनाते रहिए। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद। माता पिता का आना जरूर कीजिएगा, क्योंकि संस्कृत से आपको संस्कृति सभ्यता दोनों मिलनी चाहिए। धन्यवाद।